अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। सो जी, आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है, क्योंकि जी आज मेरी बर्थडे है और ये मेरी बर्थडे का व्लॉग है। सो आप लोग इंजॉय करेंगे, एंड तक वीडियो देखिएगा। और जाएँ जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करने हैं अच्छे अच्छे से। सो ये जी आउटफिट है, और ये सफ़ायर से जो लास्ट ईद पे जो मैंने बनवाया था, और एम्ब्रॉयडरी भी है। सो आज का जो है सीन ये है कि मैं अम्मी की तरफ से, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तो तुम रेडी रहना, हम लोग बाहर जाएंगे, मुझे कोई काम है तो मैंने वो पहले करना है और फिर हम लोग घर जाएंगे। सो अभी हम लोग आए थे सदर, और उन्होंने मुझे कहा कि हाँ जी तुम अपना गिफ्ट खुद ही ले लो और अपनी पसंद से ले लो जो लेना है। तो ऑब्वियसली बात है, आप लोग को पता है लड़कियों का जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो टॉप क्लास की जो चीज़ होती है वो ड्रेसेस होते हैं, कपड़े होते हैं। कपड़े जितने मर्जी हो जाएँ उनके लिए कम ही होते हैं। सो उन्होंने कहा जी कपड़े ले लो, और बाय द वे इसमें उनकी एक फ़ायदा भी उनके लिए था कि अगर कपड़े लेती है तो ईद की शॉपिंग नहीं करानी पड़ेगी, एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। सो अभी हम लोग आए हुए थे सफ़ायर, और सफ़ायर की जो आपको सारी जो है स्टिच कलेक्शन आपको दिखा रही हूँ, आप लोग को भी साथ साथ में दिखा रही हूँ। सफ़ायर की जो कलेक्शन थी सारी अच्छी थी, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास सारे जो कलर्स थे वो ऑलरेडी थे। सो मुझे एक इस तरह का चाहिए था जो मेरे पास ऑलरेडी ना हो। सो मैं काफ़ी देख रही थी, और ये आप लोग देख सकते हैं ये वाला ड्रेस, ये मुझे अच्छा लगा था, ये 3-पीस सूट था। सो इसकी जो प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा थी, सो मैंने सोचा कि उतना तो वो है नहीं इतनी जितनी इसकी प्राइस है, सो मैंने इसको भी स्किप कर दिया। और बहुत मज़े के ड्रेसेस थे, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ऑलरेडी मेरे पास कलर थे, मैं डिफरेंट थोड़ा सा चाह रही थी कि डिफरेंट कलर हो। सो ये आप लोग भी देख सकते हैं, और काफ़ी एक ड्रेस में कंफ्यूज हो गई थी जो कि मैं बार बार देख रही थी और फिर मैंने छोड़ दिया था। सो ये आप देख सकते हैं जो लाइट ब्लू कलर सा है, स्काई कलर सा, ये मुझे पसंद आया था, लेकिन इसकी प्राइस जो है बहुत ज़्यादा थी, सो इसको मैंने इग्नोर मारा। वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद यही है कि आप लोगों ने अगर ईद की शॉपिंग नहीं की तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे किस तरह की कलेक्शन है, और आप लोग के लिए इजी रहेगा और आप लोग इजीली सिलेक्ट कर सकते हो जाके। सो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप लोगों का भी थोड़ा सा भला हो जाए, और आप लोग अगर ईद की शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप ईज़िली कर सकते हैं। यहाँ पे जो कुर्ताज़ हैं, शर्ट कलेक्शन थी बहुत अच्छी थी। सो मैंने कोई 2-पीस 3-पीस लेना था, ताकि मतलब फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ईद पे, आप मैचिंग करो, ट्राउज़र मैच करो, दुपट्टे मैच करो, तो वो डिफरेंट वो चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। सो मुझे 2-पीस या 3-पीस लाजमी चाहिए था। सो मैंने कुर्ताज जो थे उनको थोड़ा सा साइड भी किया है, क्योंकि वैसे तो मैं कुर्ता वगैरह ले लेती हूँ। सो ईद थी, और ये था कि मतलब, और ये जो आप देख रहे हैं ये उमर को भी पसंद आया था, मुझे भी आया था, लेकिन मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग कलर है। सो इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई थी, और प्लेन शर्ट थी, थोड़ी सी मतलब बैक पे और फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी हुई थी। सो ये अच्छा लगा था, लेकिन फ़ाइनल नहीं हुआ था। अब जी हम आगे हैं केसरिया, और केसरिया में जो है हम लोग इसके जो अनस्टिच था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम जो स्टिच कॉर्नर है वहाँ पे आए हैं, और ट्रस्ट मी मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी एक कहते हैं ना एक जो ड्रेस पसंद आता है बिल्कुल नहीं आया था। सो सफ़ायर के बहुत ज़्यादा अच्छे थे, सारे बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और यहाँ के बस आई डोंट नो, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, मे बी कुछ लोगों को पसंद आ रहे हों। सो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग के लिए वीडियो बनाई है। और
वन थिंग जो इनका इंटीरियर था केसरिया का, वो मुझे बहुत पसंद आया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो स्टेयर्स का, ये देख सकते हैं आप, वॉलपेपर लगा हुआ है, बहुत ही एक मज़े की और फ्रेश लुक सी दे रहा था, बहुत मज़े का लग रहा था। जो कि मुझे सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट किया है ना, वो ये वॉलपेपर है और जो इनका इंटीरियर टाइप बना हुआ था, बहुत अच्छा। सो अभी हम लोग नीचे गए हैं और मैंने सोचा कि इसकी जो अनस्टिच कलेक्शन है वो भी देख लेती हूँ, अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा तो अनस्टिच में से कुछ देखती हूँ और वो स्टिच करा लेती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। बाय द वे, फिर मैंने जो है ड्रेस जो है बोनांजा सतरंगी से लिया था और वो मैं आगे जाके आप लोगों को दिखाऊंगी गिफ्ट्स में। और फिर हम लोग घर आ गए थे और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैं बिल्कुल जो है कि मैं केक लेके आएंगे, सो मैं ये देखने केक लेके आए हैं। और पंखा लगा दे मैं। बस सिंपल सी मैंने सुबह जो है बर्थडे की थी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक थी, मैर की भी ठीक नहीं थी, सो हम लोगों ने इतना कुछ नहीं किया। और अब आती है बर्थडे गिफ्ट्स की बारी और ये जी गिफ्ट्स हैं जो कि उमेर ने मुझे दिया था और जो कि मैं आप लोगों को दिखाना नहीं सकी। सो गाइस, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने जो गिफ्ट्स जो मुझे मिले हैं। और इसके अलावा जो इस दफ़ा जो मेरी बर्थडे थी, बहुत ही मैंने खुद ही मैंने कहा था कि बहुत ही सिंपल हो और इतनी ज़्यादा मैंने करनी भी नहीं थी, क्योंकि जो मेरी तबीयत थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और उसकी वजह से मैंने इतनी ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं की। सो जैसे भी हुई है बहुत अच्छी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको भी दिखाती हूँ गिफ्ट्स। और ये जो गिफ्ट है ये अम्मी अबू और सिस्टर की तरफ से है, और ये साया का ये लें जी, ये है, ये मैंने पहले ही ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ था क्योंकि कपड़े हों और मैं देखूँ ना, ऐसा हो नहीं सकता। सो ये जी स्टिच, इसकी जो शर्ट है, और ये देख सकते हैं आप लोग बहुत ही मज़े के स्लीव्स, और ये इस पे नेट लगी हुई है। और इसकी मैं जो कंप्लीट डिटेल होगी वो बाद में दिखाऊंगी, ईद की जो कलेक्शन होगी, ईद के जो ड्रेसेस होंगे उसके साथ। सो ये है मेरा जी कुर्ता जो कि अम्मी लोगों की तरफ से है, मेरा बर्थडे का गिफ्ट ये जी। और ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि बहुत ही मज़े का, ईद के लिए भी बेस्ट है। सो अभी डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सा मैंने ईद पे पहनना है। सो ये हो गया जी पहला गिफ्ट। और इसके अलावा जो है वो ज्वेलरी है, और ज्वेलरी जो है मैं अपने जो ईद का व्लॉग होगा, ईद की शॉपिंग का व्लॉग होगा, उसमें आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर रही, और मैं कंप्लीट जो ड्रेस की डिटेल्स होंगी वो भी ईद के जो व्लॉग होगा, ईद की शॉपिंग का व्लॉग होगा, उसमें शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। और अब मैं दिखाती हूँ जो मेरे हस्बैंड ने उमैर ने मुझे गिफ्ट दिया, जो मैं ऑलरेडी दिखा भी चुकी हूँ, लेकिन अब प्रॉपर आपको खोल के दिखाती हूँ क्योंकि मुझे फाइनली अब थोड़ा सा टाइम मिल गया। सो जी ये आया है जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है, और माशाल्लाह से ये बहुत प्यारा, और ये मैं आपको दिखाया था कि इन्होंने खुद मुझे लेके गए थे और उन्होंने कहा कि अपनी पसंद से जो लेना है ले लो। कंप्लीट जो ड्रेस है मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही क्योंकि वो ईद का जो होगा उसमें आपको दिखाऊंगी। और ये आप देख सकते हैं बोनांजा सतरंगी से के, ये इसकी जो समर 21 का जो है, और बाय द वे ये भी स्टिच है, और ये टू पीस है, और इसका दुपट्टा और शर्ट है, और ये आप देख सकते हैं नेकलाइन।
सो जी, ये था आज का मेरा बर्थडे का व्लॉग। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। और ये थे गिफ्ट्स, और इसमें जो है ज्वेलरी वगैरह वो मिसिंग है, सो वो दूसरी वीडियो में आएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और बहुत ही सिंपल बर्थडे की थी, इतना कुछ नहीं किया था। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।